गमगीन हुआ पूरा बॉलीवुड। सतीश कौशिक थे सदमे में, हंसी के पीछे था ये दर्द। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। जब से ये खबर लगी है, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर किसी की आंखें नम है और हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि कल उन्होंने तमाम सितारों के साथ जमकर होली खेली और फिर उनके निधन की खबर आ गई, जिसने सभी को चौंका दिया। और अब उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में उनको एक सबसे बड़ा गम सताता था? बताते हैं आपको कि आखिर वो किस गम से जूझ रहे थे। पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। सतीश कौशिक के निधन की खबर उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दी। इस बुरी खबर को सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स को एक बड़ा झटका लगा। हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी है। बता दें कि सबको हंसाने वाले सतीश कौशिक के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि उन पर पहले दुखों का पहाड़ टूट चुका है। साल 1990 में उनके बेटे सानू के निधन ने उन्हें दुख के समंदर में डुबो दिया था। खुद को इस गम से उबारने के लिए सतीश कौशिक ज्यादा से ज्यादा काम करने लगे। साल 2012 में उन्होंने सोशल मीडिया पर फैन से खबर शेयर की कि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। सतीश जी ने ट्विटर पर लिखा था कि हमारी बेटी का जन्म एक बच्चे के लिए हमारे लंबे और दर्दनाक इंतजार का अंत है। जाहिर है कि सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने करोलबाग के एक स्कूल से की, फिर किरौड़ीमल कॉलेज से 1972 में ग्रेजुएशन किया। एक्टिंग का शौक उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक ले गया। बॉलीवुड में एंट्री से पहले वो थिएटर में भी काम कर चुके हैं। साल 1983 में आई फिल्म मासूम से उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें कल्ट फिल्म जाने भी यारों में अभिनय के साथ साथ डायरेक्शन में भी हाथ आजमाने का मौका मिला। रूप की रानी, चोरों का राजा के डायरेक्टर सतीश कौशिक ही थे। अपने लंबे करियर में उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया होगा। साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया से उन्हें बतौर एक्टर पहचान मिली। कैलेंडर के किरदार से वो घर घर में मशहूर हो गए, जिसके बाद उन्हें कॉमेडी रोल ज्यादा मिलने लगे। फिल्म इंडस्ट्री में वो अपनी जिंदा दिली और दोस्ती के लिए भी जाने जाते हैं। सतीश कौशिक ने फिल्म राम लखन और साजन चले ससुराल के लिए 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। अब वो अपने पीछे बेटी वंशिका और पत्नी शशि कौशिक को छोड़ गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।